वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि 5 मिनट्स के अंदर आप आपकी हेयर को कैसे स्ट्रेटन कर सकते हैं इंस्टेंटली टेम्परली। तो उसमें मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया था, अगारो का ये स्ट्रेटनिंग ब्रश। बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्ट है गाइज, एंड इंस्टेंट हेयर स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट है। तो आज इसकी मैं फुल डेमो एंड रिव्यू शेयर करूँगी आपसे, एंड मैं गारंटी देती हूँ गाइज इस वीडियो को देखने के बाद ना आप ज़रूर इसे बाय करना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। अगारो हेयर स्ट्रेटनर कॉम्ब, बिल्कुल कॉम्ब की तरह दिखता है, पैडल ब्रश की तरह दिखता है, दैट्स वाई इसका नाम कॉम्ब है। तो अगारो के अदर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट की तरह इसमें भी आपको एडवांस कोटिंग मटेरियल मिलेगी फॉर ईजी ग्लाइड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज दिखने में। इसमें आयरन टेक्नोलॉजी भी है जो हेयर की फ्रिजनेस को दूर करती है। इसमें 5 हीट सेटिंग्स है, तो आप आपकी हेयर टाइप के अकॉर्डिंगली इसे बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टेम्परेचर में। ऑल्सो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी वेयर दी गई है ईजिली यूज़ करने के लिए। ऑल्सो इसकी जो कॉम्ब टिप्स है ना गाइस, इसमें 25 कॉम्ब टिप्स है जिससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है हेयर पर, कहीं पर भी कम या ज़्यादा हीट लगने की चांसेस नहीं है। तो इसके डेमो मैं ना गाइज मेरी डॉटर की हेयर पर दिखाऊंगी, बिकॉज मेरी हेयर तो नेचुरली स्ट्रेट है ही, एंड मैंने कुछ दिन पहले दो हफ्ते पहले मेरी हेयर को परमानेंट स्ट्रेटनिंग किया है। तो मेरी डॉटर की हेयर जो है ना गाइज बहुत ही कर्ली है, थिक है, कोस टाइप का हेयर है, उसी की हेयर पर मैं इसे यूज करके दिखाऊंगी। तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि मेरी डॉटर काफी छोटी है, हेयर पर ये यूज नहीं करना चाहती थी, बट जस्ट टू सी कर्ली थिक एंड कोस हेयर पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है मैंने यूज किया है इसके हेयर पर। तो गाइज पहले मैंने क्या है आप यहाँ पर देख लीजिए मेरी डॉटर की हेयर। तो उससे जब मैं कॉम करती हूँ ना इसकी हेयर पर, दिस इज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर फॉर हर। बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करती है कॉम करना हेयर को, इतनी ज्यादा कर्ली एंड टैंगल रहती है। तो मैंने क्या किया है, कॉम करने के बाद हेयर को थोड़ा सा सेक्शन कर लिया है, आधा आधा हेयर पर मैं करके दिखाऊंगी ताकि आपको डिफरेंसेस दिखे। उसके बाद मैंने हीट सेटिंग स्प्रे भी अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सेक्शन लिया है, एंड इस तरह से ना आपको गाइज यूज करना होता है। नाउ मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स बता देती हूँ। आप फर्स्ट गियर पर यूज करेंगे अगर आपकी हेयर थिन है, पतला है, नेचुरली काइंड ऑफ स्ट्रेट है। अगर आपकी हेयर पर ब्लॉन्डे किया हुआ है, केमिकल ट्रीटमेंट है, तो आप सेकंड गियर पर यूज कर सकते हो। अगर आपकी हेयर बहुत ज्यादा कर्ली है, थिक है, तो आप थर्ड एंड फोर्थ गियर पर इसे यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा कर्ली या फिर थिक, बहुत ही ज़्यादा कोर्स है, तो आप फिफ्थ गियर तक भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गाइज मैं कैसे इसे यूज़ कर रही हूँ, एंड जस्ट वन स्वाइप में ही ये हेयर को कितनी अच्छी से कर्ल कर रहा है। तो अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपकी हेयर काइंड ऑफ स्ट्रेट टाइप का है, वेवी है, पतला है, तो आप जस्ट लाइक कॉम इसे चला सकते हो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गाइज इंस्टेंट रिजल्ट, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हेयर स्ट्रेट हो गई। अभी मैं कॉम्ब यूज कर रही हूँ ना, बिल्कुल भी ये अटक नहीं रही है हेयर पर, एंड मेरी बेबी भी बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रही है। अभी दोनों साइड पर आप डिफरेंसेस देख लीजिए। इस तरफ हेयर काफी शाइनी लग रही है, फ्रिज फ्री लग रही है, स्ट्रेट भी हो गई है, एंड दूसरी तरफ अब भी हेयर कितना ज्यादा कर्ली है, कितनी ज्यादा फ्रिज है हेयर पर, बिल्कुल भी शाइन भी नहीं है। तो मेरी डॉटर नेक्स्ट डे जब स्कूल से आई थी तो बोला मुझे कि हेयर बिल्कुल भी टैंगल नहीं है। अभी वो थम्स अप कर रही है, मुझे पता भी नहीं चला कब थम्स अप किया, वीडियो एडिट करने के टाइम मैंने देखा। एंड ये वीडियो मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग से पहले है, जब मैंने इसे यूज़ करके दिखाया था आपको वैलेंटाइन डे से पहले, 2-3 दिन पहले। तो उसके बीच ना ये 3 हफ्ते पहले की वीडियो है, आप यहाँ पर देख लीजिए मेरी हेयर कितनी अच्छी से स्ट्रेट होगी। बिफोर एंड आफ्टर वीडियो भी आप देख लीजिए। ये फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पर मैं आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो एवरी टाइप ऑफ हेयर के लिए गाइज ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है, ज़रूर ट्राई करना। क्यों पसंद आया ना प्रोडक्ट, अभी आप चाहते हो ना इसे बाय करना, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।